छदम राष्ट्रवाद में, कोई राष्ट्रवाद नहीं, इनको धर्म से लेना देना अभी ठीक नहीं। अभी इलेक्शन अभी आ रहा है ना, बहुत सारे हमारे दलित बैकवर्ड लोग हिंदू बन के डंडा लगे घूमेंगे। तो यहाँ बगल में तो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, आपको काहे नहीं पुजारी बना दिया। अगर मुझे अपने बेटा को अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाना हो तो मैं एक प्रोफेसर पढ़ा सकता है? नहीं। साल के 10 लाख रुपए फीस लगते हैं वहां, 10 लाख। तो जो मिडिल क्लास बना है सब में, हिंदू में, मुसलमान में, बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में, जो मिडिल क्लास बना इन्हीं सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ के, मैं एक ही मुद्दे पे बोलूंगा, एजुकेशन पे बोलूंगा, पढ़ के एक आशा, एक होप जगी कि आपका बेटा भी कलेक्टर बन सकता है। होप थी ना। आप क्या सोचते हैं कि बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा? लेकिन शिक्षा को इन्होंने इतना बर्बाद कर दिया है, इतना महंगा कर दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका बेटा मैनेजमेंट कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ सकता है। ये तो सवाल हमारे समाज के लोग, जो दलित पिछड़े अति पिछड़े जाति के लोग हैं, ये बात उनको समझना है कि आपको न्याय चाहिए या आडंबर पाखंड चाहिए, आपको हिंदू मुसलमान में बटना है। तो इनके पूरे सोच में वो समता है ही नहीं। वो समरसता की बात करेंगे लेकिन सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे। एक भी पॉलिसी, एक भी कह रहा हूँ, मोदी जी की एक गारंटी है कि अभी तक 80 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अगर ये चुनाव जीत गए तो 100 करोड़ के 5 किलो का अनाज देंगे। बस अनाज ही लीजिए। आरएसएस भाजपा के नीतियों के खिलाफ मैं लिखता पढ़ता बोलता हूँ और बहुत दबंगई से बोलता हूँ, इसमें कोई डरने की बात नहीं। तो सरकार मुझे परेशान करने के लिए तरह तरह के अंकुश मेरे ऊपर लगाती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि मैं दूसरी बार भभुआ आ रहा हूँ। 5-6 साल पहले एक बार आया था किस हॉस्टल में, पटेल कॉलेज में, हाँ मुझे याद है कि आया था। और वहाँ से हड़बड़ी में मुझे फिर दिल्ली लौटना था, तो वहीं से फिर वापस लौट गए थे बनारस। तो 5-6 साल हो गया शायद। और एक लंबे अंतराल के बाद मैं आज फिर यहाँ पर हूँ। बीच में कई साथियों का फ़ोन आया, नाम तो मुझे याद नहीं है, कि आप भभुआ आइए, प्रोग्राम भी बनी, लेकिन नौकरी पेशा वर्ग हूँ तो 5 दिन काम करना पड़ता है और हमारी छुट्टी जो है कोई नहीं होती है। शनिचर एतवार आप देखते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वो देखते होंगे कि मैं, मेरा कोई छुट्टी नहीं है, हर दिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम ही होता है। पिछले 10 साल से ऐसे ही कुछ चल रहा है। और जहां मुझे इत्मीनान से बैठ के रिसर्च करना चाहिए था, वहां हम लोग को रोज़ अगर भिड़ना पड़ रहा है विचारधाराओं के नाम पर, लड़ना पड़ रहा है, तो समझिए हमारी चुनौती भी है, मेरी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि इस समय अगर चुप रह गए, घर बैठे रह गए, तो इतिहास लिखा जाएगा, तो कायरों का इतिहास में मेरा नाम होगा, लेकिन हम लोग उसमें से नहीं हैं कि भागेंगे नहीं। अगर जंगल में आग लगी है तो अकेले भी बुझाना हो तो बाल्टी लेके जाएंगे, ज़रूर बुझाएंगे। मेरा नाम रतनलाल है और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ। और कई साथी यहाँ पर मुझे लगता है कि यूट्यूब पर देखते होंगे मुझे या सोशल मीडिया पर देखते हैं। और मेरा घर वैसे मुजफ्फरपुर है, रहने वाला मुजफ्फरपुर का हूँ। दाल रोटी के लिए नौकरी करता हूँ कि जीविका चले। और मेरा जो रिसर्च है, जो मैंने शोध किया है, वो बिहार के एक बड़े इतिहासकार काशी प्रसाद जसवाल, नाम अगर जो लोग जानते होंगे थोड़ा, तो KP जसवाल, उन पे मेरा शोध है और कई किताबें प्रकाशित कर चुका हूँ। ये सब क्यों कह रहा हूँ कि अगर स्थितियाँ सामान्य होती, सब कुछ ठीक ठाक रहता, तो हम लोग बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के रिसर्च करते रहते, किताब लिखते, आर्टिकल लिखते, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करते। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। तो इसलिए हम लोग को जो पढ़ा लिखा, समझा, समाज को देखा, अगर हम नहीं बोलेंगे,
हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन? तो मेरा कई रूप है, आधा पत्रकार भी हूँ, आधा टीचर भी हूँ फुल टाइम, और एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ भाषण करने की मुझे ज़रूरत नहीं, एक संगोष्ठी टाइप से हम लोग बातचीत कर लेंगे, सवाल जवाब कर लेंगे, इसमें भी बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कि कई देखा सोशल मीडिया पर सासाराम में चला कि मेरी नौकरी चल नहीं, मेरी नौकरी गई नहीं, मेरी गिरफ्तारी हुई थी। और गिरफ्तारी ये हुई थी कि जब एक इशू था, अभी उस पर कोर्ट ने मुझे पाबंदी लगा दी है बोलने के लिए, तो पूरा विस्तार से नहीं, लेकिन आप लोग जानते हैं तो आप लोग बता देंगे। और एक दिन में बेल हो गया, 48 घंटा पुलिस रख नहीं पाई, आप लोगों ने इतना पूरे देश भर में इसका विरोध किया कि एक दिन में ही बेल मिल गई, इसलिए मेरी नौकरी फिलहाल अभी बची हुई। हाँ, ये बात जरूर है कि आरएसएस भाजपा के नीतियों के खिलाफ मैं लिखता पढ़ता बोलता हूँ, और बहुत दबंगई से बोलता हूँ, इसमें कोई डरने की बात नहीं। तो सरकार मुझे परेशान करने के लिए तरह तरह के अंकुश मेरे ऊपर लगाती है, तरह तरह के अंकुश लगाती हैं, और वो सब बहुत कुछ है, प्रमोशन रोक देना, विदेश जाने से रोक देना, तमाम ये सब चलता रहता है। खैर, मेरे लिए सब कोई इशू नहीं है, जब होगा देखा जाएगा, उसके लिए मैं कोई डरता वरता नहीं। मैं आप लोग से सवाल एक पूछता हूँ और उसमें ये बेहतर जवाब भर कर आएगा। चुनाव का समय है, इसलिए 5 साल हम लोग लगातार जब बोलते लिखते पढ़ते रहते हैं तो चुनाव के समय और तेज़ और बहुत ही दबंग आवाज़ में हमें अपनी बात रखनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ा लिखा कौन है? पढ़ा लिखा वो है जो अपने शत्रु को पहचानता हो। आप यहाँ विभिन्न समुदाय के हैं, विभिन्न समुदाय के हैं इसमें। आखिर 10 साल में सब कुछ ठीक ठाक है? अगर ठीक ठाक है तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ठाक है तो फिर बात आई गई हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि 10 साल में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं है। और देश में उन लोगों की हुकूमत है, उन लोगों की हुकूमत है जिनकी आस्था संविधान में नहीं रही है। मैं सीधा और सीधा स्पष्ट कहता हूँ, मैं इशारा कर रहा हूँ आरएसएस और बीजेपी की ओर। बीजेपी के बनने से पहले जनसंघ था, जब संविधान लागू हुआ तो आरएसएस ने संविधान के खिलाफ लिखा, बोला कि भारतीय मिजाज के खिलाफ के अनुसार नहीं है। तो जिसकी संविधान में आस्था ही नहीं रही हो तो दही की रखवाली बिल्ली को दे सकते हैं क्या? एक भी पॉलिसी, एक भी कह रहा हूँ, मोदी जी की एक गारंटी है कि अभी तक 80 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अगर ये चुनाव जीत गए तो 100 करोड़ को 5 किलो का अनाज देंगे। बस अनाज ही लीजिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए अनाज लीजिए, खाना खाइए और मजदूरी कीजिए। आपके बच्चे न पढ़ पाएंगे न पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर, आईएएस बनेगा कैसे? और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि आखिर ये लोग कहते हैं कि मोदी जी ने पूरे जितने भक्त लोग हैं, आजकल भक्त बहुत हैं, कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ, ये आरएसएस कह सकता है, क्योंकि आरएसएस इस संविधान वाला राष्ट्र इसको नहीं चाहिए। आरएसएस को एक खास तरह का राष्ट्र चाहिए जिसमें वर्ण के हिसाब से लोग काम करेंगे, मुसलमान को दबा के रखेंगे, बाकी शूद्र अपना खेती बाड़ी करेगा, वर्ण के हिसाब वैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भाई ये बात कहेगा आरएसएस तो मैं समझता हूँ कि वो अपने हिसाब से ठीक कर रहा है, कि उनको चाहिए नहीं था संविधान, उनको डेमोक्रेसी चाहिए ही नहीं था, उनको लोकशाही चाहिए ही नहीं था, उनको सोशल जस्टिस चाहिए ही नहीं था। कल बाबूजी की जयंती थी, मैं गया था वहाँ समता स्थल पर, और देखिए कैसे ही लीला करते हैं लोग। समता स्थल का नाम गूगल करके अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, समता स्थल का नाम इन्होंने क्या रख दिया है, एकता स्थल। इसका पॉलिटिक्स समझ रहे हैं क्या है? समता मतलब समानता, ऊंचा नीचा नहीं, और एकता में तो ऊंचा नीचा रह के भी एकता हो सकती है, लेकिन समता में बराबर समतल होना है। तो इनके पूरे सोच में वो समता है ही नहीं, वो समरसता की बात करेंगे लेकिन सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे।
समता की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे। सऊदी अरब में जाके सुल्तान से गले मिलेंगे, वहाँ मंदिर खोलेंगे, लेकिन यहाँ पे मुसलमान को मारेंगे, हैं? उल्लीला समझ रहे हैं? तो हिंदू मुसलमान करते हैं यहाँ खाली वोट के लिए, और बाहर जाके वहाँ नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी भी खाएंगे, और सऊदी में जाके सुल्तान लोगों से गले भी मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मुझे, मैं सेकुलरिस्ट हूँ, मुझे सेकुलर कहने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर हैं तो हैं। ये तो सवाल हमारे समाज के लोग, जो दलित पिछड़े अति पिछड़े जाति के लोग हैं, ये बात उनको समझना है कि आपको न्याय चाहिए या आडंबर पाखंड चाहिए, आपको हिंदू मुसलमान में बंटना है। इलेक्शन आ गया है, अभी खूब हिंदू मुसलमान होगा, खूब होगा हिंदू मुसलमान। ये आपको बरगलाने के लिए असली लड़ाई जो है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, वो भागीदारी की लड़ाई है, वो हिस्सेदारी में, संसाधनों में हिस्सेदारी की लड़ाई। इस लड़ाई में अगर मोदी जी और आरएसएस ये बता दे कि हमने पिछड़ों के लिए कोई कमीशन बनाया है, कोई रिजर्वेशन लागू किया है, कुछ भी किया है, तो एक मुझे खाली कोई बता दे खड़े होकर, हाँ ये जरूर है कि 5 किलो अनाज आपको जरूर कहेगा, ये 5 किलो अनाज में ही संतोष कीजिए, बाकी अडानी अंबानी या घर उसका भर रहा है वो भरने दीजिए। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जैसे लोग को जो सीरियस रिसर्च करना चाहिए, तो हम लोग फील्ड में उतरे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। चुनाव लड़ना ना लड़ना वो एक बात है, चुनाव तो एक ही दिन होता है ना सर, लेकिन सामाजिक जागरण, राजनीतिक आंदोलन निरंतर चलना चाहिए। जो प्रोफेशनल नेता होगा, नेता कम लीडर कम डीलर ज़्यादा होगा, वो इलेक्शन के समय जो है ना, जैसे मेढक नहीं निकलता है बरसाती मेढक, वैसे निकलता है। हम लोग 5 साल काम करने वाले लोग हैं, 5 साल 24/7 5 साल। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सब बात, कि जो भी मिडिल क्लास बना, आरक्षण मिला SC ST को, या मान लीजिए सवर्ण जाति भी है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो मिडिल क्लास बना, आपके घर में डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल जज बने, वो कहाँ से बने, कैसे बने, जरा ये मुझे बताइए। वो बने उसी सरकारी स्कूल में पढ़ के, गांव के स्कूल में पढ़ के, उसी शहर के कॉलेज में पढ़ के, उसी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के, उसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ के, जहाँ भी आपको वजीफा भी मिलता था, फ्री में पढ़ाई होती थी, फ्री में खूब तबीयत से पढ़ाई होती थी, होती थी नहीं होती थी, मैं तो गांव में पढ़ा हूँ, मैं मुजफ्फरपुर के गांव में पढ़ा हूँ, मेरे दादा दादी मिल में मजदूर थे, लेकिन उस समय फ्री में एजुकेशन था, तो फादर भी पढ़ गए, हम भी पढ़ गए, तो पढ़ गए तो मैं हिंदू कॉलेज का प्रोफेसर बना दिल्ली विश्वविद्यालय। मेरे घर में और कई अफसर हैं, कई प्रोफेसर हैं। आज क्या अगर मुझे अपने बेटा को अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाना हो तो मैं एक प्रोफेसर पढ़ा सकता है? नहीं। साल के 10 लाख रुपए फीस लगते हैं वहां, 10 लाख। तो जो मिडिल क्लास बना है, सब में हिंदू में मुसलमान में बैकवर्ड में फॉरवर्ड में जो मिडिल क्लास बना, इन्हीं सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ के, मैं एक ही मुद्दे पे बोलूंगा, एजुकेशन पे बोलूंगा, पढ़ के एक आशा एक होप जगी कि आपका बेटा भी कलेक्टर बन सकता है, होप थी ना। आप क्या सोचते हैं कि बेटा डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनेगा? लेकिन शिक्षा को इन्होंने इतना बर्बाद कर दिया है, इतना महंगा कर दिया है, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका बेटा मैनेजमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ सकता है। और इसलिए कह रहा हूं कि हमारे परसों तरसों एक यादव जी का फोन आया था मेरे पास कि हमारे बेटा को IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन हो गया है, लेकिन फीस 39 लाख रुपए है, मैं फीस नहीं भर सकता उतना। तो आपके आने वाली पीढ़ियों की के इंटरेस्ट की हत्या का पूरा प्रोग्राम ये सब बना चुका है। एजुकेशन को इतना महंगा कर दो, ना दलित बैकवर्ड पढ़ेगा ना कुछ बनेगा। सरकारी सिस्टम ठीक रहेगा तो नौकरी भी मिलेगी। तो 70 साल में जो मिडिल क्लास बना, पब्लिक सेक्टर बने, सेल भेल जितना ऐसा बना, NTPC सेल भेल, बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो नौकरियां मिली ना सबको। ऐसा काम किया हो जिसको डायरेक्ट आपका बेनिफिट मिल रहा हो, मुझे एक काम बताइए, एकदम निष्पक्ष भाव से, एक भी काम ऐसा किया हो जिससे कि यहां पे मुसलमान को तो डराना है,
मुसलमान को एक आदमी को नहीं पाकिस्तान ही भेज सकते हैं, ये भी सुन लीजिए। वो आपको खाली खुश करने के लिए राम साहब कि मौलवी साहब पाकिस्तान चले जाएंगे तो उनका हवेली हमारा होगा, जमीन हमारा होगा, ये कान में फुजूर बुजूर जो कहता है ना मेरे दलित भाइयों और पिछड़े भाइयों, सुन लो पहले बात, वो कान में इलेक्शन के समय फुजूर बुजूर करता है, ठीक है जी, मिलेगा कुछ नहीं। वो मुसलमान तो बहाना है, लेकिन असली निशाना यहाँ का SC ST OBC है और यहाँ के लोग हैं। मेरे कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, यही सासाराम और बक्सर के लोग हैं कई लोग। मैं कई बार पूछता हूँ उनसे कि अगर ये नौकरी सरकारी होती और उसमें कोई नहीं कि दलित बैकवर्ड है, उसमें ठाकुर साहब भी हैं, उसमें पंडित जी भी हैं, हमले मान लो ये नौकरी अगर सरकारी रहती तो कितना तनख्वाह मिलता, 40,000 50,000 मिलता ना, हमले अब कितना मिल रहा है, 15,000, 8 घंटा के बदले 12 घंटा ड्यूटी है, 8 घंटे के बाद के बदले 12 घंटे ड्यूटी है, तो 100 नौकरी होती तो 50 उसमें SC ST OBC को मिलता, 50 और लोगों को भी मिलता, 10% जो गरीबी कोटा है उसमें ही मिलता। लेकिन ये मोदी सरकार सब कुछ बेच बेच के प्राइवेटाइज कर रही, सब कुछ सीधा और सीधा देख रहे हैं। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया, गोमांस के नाम पर जो अखलाद और जुनैद मारा जाएगा नहीं, गोमांस जो एक्सपोर्ट कर रहा है बीफ वो हिंदू भी कर रहा है, उससे माल इलेक्ट्रोल बॉन्ड में ले रहा है, देखा है कि नहीं आपने, खबर पड़ा है, है? तो इनकी लीला का भंडाफोड़ हो गया है, इनके लिए कोई हिंदू भी मतलब नहीं करता है, कोई हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, खाली लोगों को भड़काना है, भिड़ाना है, और इस आप उधर हिंदू मुसलमान करते रहिए तब तक नीचे पता लगा ट्रेन का पहिया बेच दिया, ट्रेन का पहिया बेच दिया, वो चला गया अडानी के पास। भाई साहब ये बाबू जगजीवन नाम की धरती है, आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि जब वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में रेलवे डिपार्टमेंट में थे कितनी नौकरियां, लाखों लाख नौकरियां मिली कि नहीं मिली, मिली कि नहीं मिली, पूरे देश भर के लोगों को, रेल मंत्री भी थे ना, वो डिफेंस मिनिस्टर भी थे, बांग्लादेश को जब वहां से हटा पाकिस्तान से उस समय रक्षा मंत्री जगजीवन बाबू थे, लाखों लाख नौकरियां मिली कि नहीं मिली, इवन पानी पिलाने के लिए पानी पाड़े रखा जाता था स्टेशन पर। आज सब कुछ क्या हो रहा है, ठेके पे जा रहा है, पेंट्री का ठेके, आधा रेलवे का ठेकाकरण हो गया है, सब प्राइवेट एजेंसी जो है आ रहा है, और गौर से देखिएगा तो बड़े बड़े जो ट्रेन दुर्घटना हो रहे हैं ये प्राइवेट एजेंसी अपने प्रॉफिट कमाने के लिए जो कटिंग करता है उसमें उसकी वजह से हो रहा है ये। तो साथियों मेरा ये कहना है कि ये देश का संविधान, इस देश की सरहद, देखिए ना बांग्लादेश से आपके संबंध ठीक है ही नहीं, नेपाल से है ही नहीं, चाइना से है ही नहीं, श्रीलंका से है ही नहीं, श्रीलंका से और खराब हो रहा है, श्रीलंका सरकार से फोन पे बात करते हैं कि अडानी को ठेका दे दो, लेकिन इलेक्शन के समय तमिलनाडु में 2 सीट जीतना है तो इसके लिए कच्ची थीपू का भी विवाद उठा रहे हैं कि 84 एकड़ जमीन श्रीलंका को दिया गया था, 1,000 एकड़ जमीन कब्जा किया है चाइना, अरुणाचल प्रदेश तक घुस गया है, तो इनका जो है छदम राष्ट्रवाद, इनका कोई राष्ट्रवाद नहीं, इनको धर्म से लेना देना भी ठीक नहीं। अभी इलेक्शन अभी आ रहा है ना, बहुत सारे हमारे दलित बैकवर्ड लोग हिंदू बन के डंडा लगे घूमेंगे, तो यहाँ बगल में तो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, आपको कहे नहीं पुजारी बना दिया, तो ये सब चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि अगर ये मोदी सरकार रिपीट हो गई किसी भी तरीके से तो हम लोग जो बोल रहे हैं ना ये बोलना भी बंद हो जाएगा। संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं होगी, उसके जितने प्रावधान हैं, जितने प्रावधान है संवैधानिक प्रावधान है उसको धीरे 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 खत्म कर दिया जाएगा, खत्म बात, रिजर्वेशन खत्म, प्राइवेटाइजेशन हो गया, नौकरी खत्म। अब जो लोग खुश हो रहे थे उनको भी मैं चेतावनी देना चाह रहा हूँ, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, मैं खुश हूँ, तो चेतावनी आपको भी देना चाह रहा हूँ कि आपके बच्चे जो पहले क्लर्क बनते थे ना, अब क्लर्क की नौकरी भी ठेके पे चली गई है, 20,000 में नौकरी कर रहा है वहाँ पे लड़के, मेरे कॉलेज में आइए मैं बता रहा हूँ,
20,000 में आपके बच्चे भी नौकरी करेंगे। इसलिए अगर पूरे राष्ट्र का निर्माण करना है, सभी लोगों का सर्वांगीण विकास करना है, तो कम से कम इस बीजेपी सरकार को हराइए, वैकल्पिक पॉलिसी हम लोग दे देंगे, वैकल्पिक पॉलिसी हम लोग देंगे। और आप देख रहे हैं कि अभी जो न्याय पत्र कल जारी हुआ, कल मैं वहीं था, जो बात हम लोग इतने वर्षों से कह रहे हैं वो सारे अब खुल के सामने आ रहे हैं, सारे खुल के आ रहे हैं। अरे जो भी मिला, बाबा साहब भी डॉक्टर अम्बेडकर, वो कांग्रेस से जितना लड़े होंगे दुनिया के इतिहास में कोई नहीं लड़ा होगा, लेकिन बाबा साहब फिर उसमें शामिल भी होते हैं। वो लखनऊ का भाषण है, मैं तो लेके चलता ही, वो कहीं कोई पूछेगा तो बता दूंगा। उनसे पूछा गया था कि आप तो कांग्रेस से लड़ते रहे, फिर कांग्रेस में शामिल क्यों हुए? तो कह रहे हैं कि हर समय लड़ने के लिए लड़ते रहना, ये ठीक नीति नहीं होती है। कई बार राजनीति में समझौते करने होते हैं, और मुझे लगता है कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को अगर उनके भविष्य को सुरक्षित रहना है तो कांग्रेस से समझौता करके हमें काम करना चाहिए। वो संविधान सभा में गए, नहीं जाते तो आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन, 342 शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन, ये प्रावधान नहीं कर पाते। हम लोग जो पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं ना, ये नहीं घूम पाते, क्योंकि वहां उस समय आरएसएस चाहता था कि ये संविधान लागू नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस राष्ट्र पे, इस मुल्क पे, संविधान पर और लोकशाही पर, लोकतंत्र पर और इंडियन रिपब्लिक पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया, इसे कब्जा, ये देश में शासन नहीं चला रहे हैं। साथियों, अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें संविधान की शुरुआत जय श्री राम से या अल्लाहु अकबर से नहीं हुई है, उसकी शुरुआत हुई है हम भारत के लोग। वो 25 नवंबर 1949 को संसद में जब भाषण दे रहे थे, जब संविधान सौंप रहे थे, उन्होंने कहा था कि इस देश में तानाशाही पनपने का खतरा है, कि वोट लेके लोग आएगा लेकिन तानाशाह बन सकता है। तो ऐसे तानाशाह को उखाड़ने के लिए हम भारत के लोग, जिस दिन जन आंदोलन होगा, जनता आएगी अपने हक हकूक के लिए। देखिए, घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है किसी को। सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने क्या दिया था? वोट का अधिकार। कि अब राजा जो है माँ के पेट से नहीं, बैलेट बॉक्स से निकलेगा। अभी सब लीला कर रहा है, ईवीएम पे भी लीला कर रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जितना भी लीला करे, बल्क में इतने इनके खिलाफ वोटिंग करो, इतने वोटिंग करो कि हेरा फेरी भी होगा तो कुछ कर नहीं पाएगा, हेरा फेरी भी होगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। लब्बो लुआब ये है। ये सब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं। ये पूरा निजीकरण और इनका सामंतवाद, दो खतरे हैं। जिस तरीके से, अरे पूंजी, सबसे ज़्यादा नोटबंदी हुआ, सबसे ज़्यादा कौन मारा गया? लोअर मिडिल क्लास, छोटे छोटे व्यवसायी, कौन मारा गया? यही लोग मारे गए। आप कर रहे 5 किलो ना दे रहे हैं, वो दिन याद कीजिए हजारों किलोमीटर कोविड में लोग पैदल चल के आ रहे थे, लाखों लोग मारे गए उसमें, उसकी कोई कीमत नहीं। अपने अपने गांव में जाइए, देखिए कि आपके यहाँ का स्कूल ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं इस बात में बार बार फोकस क्यों कर रहा हूँ एजुकेशन पर, क्योंकि एजुकेशन ही वो जड़ है। हम लोग गाँव के स्कूल से पढ़ कर दिल्ली तक का सफ़र है, लेकिन जब स्कूल कॉलेज सब बर्बाद हो जाएगा तो जिनके पास पैसा होगा वही अंग्रेजी के निजी कॉलेज में पढ़ेंगे, नहीं तो आपके बच्चे ठेला लगाएंगे, हमारे बच्चे ठेला लगाएंगे, यही होने वाला है। अरे जो कुछ भी हुआ 40-50 साल आज़ादी के बाद, सब संस्थाएं चली, सरकारीकरण हुआ, सब कुछ हुआ, तो लोगों को नौकरियां भी मिली, स्कूल भी गए, कॉलेज भी गए। इस 10 साल में तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बोल रहा है तो उसके ऊपर केस करो, जो भी बोल रहा है उसके ऊपर फर्जी केस करो, विरोधी बोल रहा है तो उसका खाता बंद कर दो, उसके ऊपर CDI ED लगा दो। क्या ये फेयर प्ले है, फेयर गेम है? नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि अति का एक अंत होता है, कि एक ही लाइन में बीजेपी आरएसएस हराइए, देश और संविधान बचाइए। शुक्रिया।